नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य अफीम, डोडा, पोस्त, अम्बल या बुक्की, इनमें से किसी भी नशे का सेवन करता है और आप उसे छुड़वाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो होम्योपैथी दवा की मदद से बिना किसी परेशानी के आप इस नशे को छोड़ सकते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपको नशा छोड़ने के बाद जो भी परेशानी आती है उसमें आपकी मदद कर सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से, होम्योपैथी दवा से नशा छोड़ने का सही तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, जो ओपियम है इसको हम ओपियोइड बोलते हैं। इसका जो प्लांट है वो पेपावरेशी फैमिली से बिलोंग करता है। इससे जो दवा तैयार होती है वो दुनिया की सबसे बेस्ट पेन किलर है। कैंसर के केसेस के अंदर जहाँ पे इतना सीवियर पेन होता है उस पेन को रोकने की क्षमता रखती है। हार्ट अटैक के अंदर इतना तेज जो दर्द होता है उस दर्द को रोकने की क्षमता रखती है। लेकिन दोस्तों, जब इस ओपियम के एक्सट्रैक्ट को नशे के तौर पर यूज करते हैं, इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अमल, अफीम, डोडा, पोस्त या बुक्की। इसको जब हम लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो उसकी आदत लग जाती है, बॉडी को इसकी हैबिट हो जाती है। तो ये काफी हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, काफी नुकसान करते हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से हमें काफी नुकसान करते हैं। ये जो नशा है दोस्तों, ज्यादातर जो ड्राइविंग करते हैं, जैसे जो ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, जो कंबाइन का काम करते हैं, जो ट्रैक्टर ज्यादा चलाते हैं, जो किसान जो खेती करता है, अपनी वर्क एफिशिएंसी को, अपने काम को बढ़ाने के लिए, जब खा के बंदा कोई काम करता है ना, तो उसको वो एक अलग हाई देती है ना, वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लेता है, अपने काम को बढ़ा लेता है, और वो कितना ही काम करता है तो उसको पता नहीं लगता। इसलिए वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यंग एज के अंदर भी इसका यूज़ अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। 17-18 साल से लेकर 30 ईयर की एज तक लोग काफ़ी इस नशे में फंस रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे कारण है दोस्तों, एक तो ये टेम्परेरी आपको खुशी देता है। जब एक बार आपने खा लिया तो थोड़े टाइम के लिए आप एकदम रिलैक्स और एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है। एक तो आपको ये अलग खुशी देता है, और जिसको नहीं पता होता वो उस खुशी को लेना चाहता है। शुरुआत में तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको उसकी हैबिट हो जाती है, उसको पता नहीं लगता। दूसरा दोस्तों, कुछ लोग इसको यूज करते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। सेक्सुअली जब परफॉर्म करना है, उससे पहले जब उन्होंने खाया तो उनको अच्छा फील हुआ, ठीक है, जब 5-6 बार उन्होंने इसको यूज किया, धीरे धीरे उसको उसकी हैबिट हो गई। 2-4 बार तो फ्रेंड, दोस्त, यार, मित्र जो है उसको खिला देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको धीरे धीरे खुद ही रखना पड़ता है, खुद ही उसको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। और वो शौक जो है कब उसके लिए सजा बन जाता है उसको पता ही नहीं लगता, ठीक है। पहले तो वो पैसे थोड़े बहुत दोस्त खिला देते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत जो उसके पास आपके पास पैसे होते हैं उससे वो खरीद लेता है, अपना काम चलाता है। फिर जो बंदा जो जॉब कर रहा है ना, जॉब की जो सैलरी आती है उस सैलरी से वो खरीदना शुरू कर देता है। फिर इधर उधर से उधार मांगने शुरू कर देता है। क्योंकि शुरुआत में तो लोग दे देते हैं, उनको पता नहीं होता कि नशा करता है, तो लोग उधार भी दे देते हैं। फिर जब वो पैसे वापस नहीं आते और लोग मांगने वाले घर पहुंच जाते हैं, तब पता लगता है धीरे धीरे कि ये बंदा नशा करना शुरू कर रहा है। उसकी संगति से पता लग जाता है कि वो किन लोगों के बीच में उठ रहा है, किन लोगों के बीच में बैठ रहा है। तो उन चीज़ों से उसको लोगों को पता लग जाता है कि हाँ, ये बंदा नशा करना शुरू कर दिया उसने। इसकी वजह से अकेला आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं होता, आर्थिक तौर पर पैसे की बर्बादी तो इसमें होती ही है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, ठीक है। इससे फ्यूचर भी आपका खराब हो जाता है। अगर आप अर्ली एज में शुरू कर देते हैं, 17, 18, 20, 22 साल की एज में, तो वो एज आपकी बहुत प्रोडक्टिव एज होती है। उस एज के अंदर आपको फ्यूचर अपना सेट करना होता है, सारी जो लाइफ की, जो आगे की, जो इन फ्यूचर की जो प्लानिंग है, वो सारा उसी एज में आपकी नींव रखी जाती है। उसी एज में अगर आप नशे में चले गए तो आप आधे से ज़्यादा टाइम तो नशे का जुगाड़ करने में चला जाएगा, ठीक है। नशा खाऊं कैसे, लाऊं कैसे, पैसे का जुगाड़ कैसे करूं, ठीक है। इससे आप जॉब पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, ठीक है, उस वजह से नहीं जा पा रहे कि ये बाहर जाएंगे तो वहाँ पे जुगाड़ कैसे होगा नशे का, ठीक है। या फिर कुछ अगर उनको फैमिली के साथ 10-12 दिन के लिए कहीं जाना पड़ जाए ना, तो वो भी नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे वो इस चीज़ से। तो एक लाइफ उनकी बन जाती है, एक लिमिटेड जगह पे वो जा पाते हैं, ठीक है। कहीं बॉर्डर क्रॉस करना है उनको तो वो साथ अपने लेके नहीं जा सकते, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होते हैं। पुलिस वालों को भी शक्ल देख के पता लग जाता है कि हाँ, ये बंदा नशा करता है, ठीक है। तो उससे अब उनकी लाइफ में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। कुछ लोगों को तो क्या होता है, रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा, तो कुछ लोगों को उसका रियलाइजेशन ही नहीं होता। फैमिली तक स्पॉइल हो जाती है, फैमिली वाले गालियाँ निकालते हैं तो जब उनको पता लगता है। मैरिड लाइफ स्पॉइल हो जाती है कुछ लोगों की। हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं, शरीर को तो काफ़ी नुकसान होता ही है इसकी वजह से, ठीक है। घर में उसकी वैल्यू खराब हो जाती है, समाज में उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लोग उनके पास बैठने से भी कतराते हैं। ये चीज़ें उनको शुरू में पता नहीं लगती, क्योंकि उनको छोटा सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, उसी के बीच में रहते हैं। कोई नया बंदा उनसे कोई जुड़ता नहीं और ना ही जुड़ना चाहता है, जैसे ही पता लगता है उन लोगों को कि हाँ, ये नशा करता है, ठीक है। जब कुछ लोगों को रियलाइजेशन इसका नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को पता लग जाता है कि हाँ,
शुरुआती स्टेज में अगर वो जो बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसा है ना, तो उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं गलत फंस गया, मेरे को इसकी हैबिट हो गई। क्योंकि जब उसको नशे का जुगाड़ करना पड़ता है, पैसे लेके आने पड़ते हैं, खुद ही रखना पड़ता है, संभालना पड़ता है, तो वो एक सिरदर्दी हो जाती है उसके लिए। फिर उनके मन में आता है कि इसको छोड़ा जाए कैसे ना कैसे कर, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता क्योंकि उनका सर्कल तो छोटा है ना। उस सर्कल के लोग तो वो चाहते नहीं है कि आप छोड़ो, ठीक है। नया बंदे को वो बताता नहीं है डरते हुए कि मैं नशा करता हूँ, इसकी वजह से वो उसके अंदर और घुसता जाता है क्योंकि वो किसी को बता सकता नहीं है, ना फैमिली को बता सकता है, ठीक है। और जो दो चार लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने उसको सिखाया है, वो उसको छोड़ने नहीं देते, ठीक है। इसकी वजह से वो वहाँ फंस जाता है। दूसरा क्या होता है, मेरे पास एक अंकल आए थे, उनकी एज होगी लगभग 50-60 की एज होगी, ठीक है। वो कहते हैं यार मेरे को छोड़ना है, क्योंकि वो 20-30 साल से नशा कर रहे हैं ना, और अब कहते हैं मेरे को छोड़ना है। मैंने कहा क्यों छोड़ना है, कहते एक तो महंगा बहुत है, एक गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तीसरा माल प्योर नहीं मिलता, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग चाहते हैं कि मैं इसको छोड़ दें, बस अब बहुत खा लिया है ना। तो ये दो एक दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से अब बंदा छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ना तो चाहता है पर उसको दिक्कत आती है कई। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, उसको डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो मेरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से वो नहीं छोड़ता। दूसरी बात ये होती है कि लोग उसको आसपास वाले डरा देते हैं कि छोड़ दिया ना एकदम से तेरे हार्ट अटैक आ जाएगा, तो उस डर से वो छोड़ने से डरता है क्योंकि उसको एक सपोर्ट नहीं। क्योंकि एक प्रॉब्लम ऐसी है ना कि हर किसी को बता नहीं सकता, वो शेयर नहीं कर सकता। तो यंग एज में अगर किसी ने शुरू कर दिया, अब जिसका सभी को पता है वो तो चलो कहीं से भी ट्रीटमेंट ले सकता है, अब जिसको नहीं पता वो क्या करे, ठीक है, उसको फिर काफ़ी दिक्कत आती है। तीसरा होता है दोस्तों, इसकी जो विड्रोल सिम्टम है ना वो काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं, जैसे आंखों से पानी आ जाना, नाक से पानी आ जाना, टांगों में बहुत तेज दर्द होता है, पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है, बुखार जैसा फील होता है, उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पेशेंट को, पसीना आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ जाना, तो जो दिक्कतें आती हैं ना वो पेशेंट सहन नहीं कर। उसको सोच के ही, अगर हो सकता है उसने एक दो बार ट्राई भी किया हो, लेकिन उस एक दो दिन तीन दिन के अंदर जब सिम्टम्स काफ़ी हाई हो जाते हैं नशा ना लेने के बाद, तो वो उस चीज़ से वो सहन नहीं कर पाता और फिर वापस गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कारण होते हैं ना, इसकी वजह से पेशेंट नहीं छोड़ पाता। लेकिन अगर आप छोड़ने के तरीके के बारे में बात करें तो उसके तीन सबसे बेस्ट तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कोल्ड टर्की, जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट अपनी विल पावर से छोड़ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नशा नहीं करते, शुरुआत में अभी घुसे ही हैं अंदर, और उनको जल्दी पता लग गया कि नहीं ये तो गलत है, ठीक है, दो चार बार उसने किया, जब उसको हैबिट हो गई ना, उसको एक दो बार तो उसने जुगाड़ किया लेकिन उसको आदत, उसको पता लग गया कि अब मेरे को आदत होगी, अब वो चाहते हैं कि छोड़ दें अभी से तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो फंस जाएंगे। तो वो लोग कोल्ड टर्की को फॉलो करते हैं, वो कोई ऐसी जगह पे जाके 8-10 दिन अपने फ्रेंड से दूर, परिवार से दूर है ना, जाके कहीं ऐसी जगह पे रहे, अपने रूम में बंद करके वहीं खाओ पियो वहीं रहो, तो 8-10 दिन के अंदर कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग फिसल भी जाते हैं, नहीं छोड़ पाते। दूसरा इसका मेथड होता है कि आप अंग्रेजी दवाइयों से छोड़ सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयों में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आते हैं जो लगभग एक मॉर्फिन के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, वो भी एक नशा ही होता है वैसे, बुफेनॉर्फिन होती है, टपेंटाडोल है, क्लोजापाम है, नेट्रोक्जोन है, ऐसी मेडिसिन है जो आपको, जो आपके डिडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं वो देते हैं। ये NDPS 1985 के अंडर आती हैं, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको मिलती है, वैसे आपको किसी मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन आपको नहीं मिलती है ये मेडिसिन, ठीक है। तो उसमें आप उनको क्या रिकॉर्ड रखना पड़ता है पूरा, तो वो उन मेडिसिन से भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी एक नशा है। आपने अमल अफीम पोस्ट डोडा कुछ भी छोड़ा, ठीक है, और उसके बाद आपने अगर बुफेनॉर्फिन टपेंटाडोल क्लोजापाम ये कुछ लेना शुरू कर दिया, तो ये भी नशा है, वो भी नशा था, बस आपकी फॉर्म चेंज हो गया, आपको माइंड सेट हो गया कि हमने वो छोड़ दिया नशा है ना, बदले में भी तो नशा ले रहे हो, ये मेडिकल नशा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये शुरुआत में तो 3-4 मेडिसिन आप टैबलेट आप ले रहे हैं, तो लेकिन कुछ लोग क्या है इसको कम नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो कुछ कम कर देते हैं लेकिन एक या दो पे अटक जाते हैं, फिर उसको छोड़ नहीं पाते, ठीक है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, क्योंकि वो भी नशा था ये भी नशा है, तो इसको भी जब आप छोड़ेंगे तो सिम्टम वही आएंगे सेम जो अमल अफीम छोड़ने के बाद आते हैं, ठीक है, तो इसको भी फिर छोड़ने में दिक्कत आती है। फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तीसरा है दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन से जब आप नशा छोड़ते हैं ना, तो होम्योपैथी मेडिसिन बिल्कुल सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर नशा होता ही नहीं है, ना इसकी लत लगती है कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे तो आपको लेनी पड़ेगी, ये छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, इसकी हैबिट आपको कभी नहीं होती, ये आपके नशे की जो क्रेविंग है ना, जो इच्छा होती है उसको कम कर देती है, और जो विड्रोल सिम्टम जो आपको नशा छोड़ने के बाद जो भी दिक्कत आती है, जो भी दिक्कत, बेचैनी, घबराहट, सुस्ती, नींद नहीं आना, शरीर में तोड़ लगना, टांगों में दर्द होना, बेचैनी होना, जो भी दिक्कत आपको आती है, उल्टी लगना, दस्त लगना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे इस मेडिसिन से मैनेज हो जाती है, उन चीज़ों को ये मैनेज कर देती है, आपकी इच्छा है उसको कम कर देती है, साइड इफेक्ट इसका कोई है नहीं, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। लेकिन इसको दो तरीके से छोड़ते हैं लोग,
एकदम से अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे और एकदम से आप अफीम छोड़ेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। या तो आप अफीम को धीरे धीरे, जो भी आप नशा कर रहे हैं ना, उसको धीरे धीरे अपनी उसकी डोज को घटाते जाइए, साथ में आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते जाइए और आप 1 महीने के अंदर आप लगभग इसको छोड़ सकते हैं। पहला तो मेथड ये होता है। दूसरा ये होता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर अफीम को कम नहीं किया जा सकता, इसको तो एकदम से छोड़ना पड़ेगा, इसको कम करना मुश्किल है। तो इसका दूसरा मेथड ये होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी आप फिनोफिन या टपेंटाडोल वगैरह पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसकी डोज को कम कर देंगे, क्योंकि टेबलेट की डोज को घटाया जा सकता है, अफीम या जो भी हम नशा करते हैं उसकी डोज को नहीं घटाया जा सकता। कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन कुछ लोग तो घटाते भी हैं। तो उस पर अगर आप शिफ्ट हो जाते हैं ना एक बार, बुफेनॉर्फिन पे, टपेंटाडोल पे, क्लोजअप, हम जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, आपकी डोज के हिसाब से भी आप कितने टाइम से खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं ना, वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर साथ में आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो वो धीरे धीरे हम उसकी डोज को टेपर कर लेते हैं, धीरे धीरे हम उसकी डोज को घटा के बंद कर देते हैं 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं कि 7 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर ही, बस 15 दिन के अंदर उस मेडिसिन को भी छोड़ देते हैं। इसमें एक बार तो सुनने में घर वालों को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन अगर आप चीज़ों को आराम से करते हैं ना, वो चीज़ें हो पाती हैं, आपको परेशानी कम होती है। देखो आपने इतने साल से खाया ही है, 15 दिन और भी खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप उसको कर नहीं पाएंगे इस चीज़ को, थोड़े टाइम के बाद आप वापस उस चीज़ पे शिफ्ट हो जाएंगे। शारीरिक रूप से नशा छोड़ने में 1-2 महीने बहुत है, लेकिन जब यहाँ से नशा छोड़ना है ना, उसके लिए 2-3 साल लग जाते हैं, साइंस ये मानती है। क्योंकि यहाँ से तो आपको जब नशा छोड़ना है तो टाइम लगता है, जब अपने शरीर से तो नशा आपके 2 महीने में खत्म हो गया, आपने छोड़ दिया, आप खुश हो गए, 2-4 महीने आपने नहीं खाया। लेकिन होगा क्या, जब आपने 2-4 महीने नशा नहीं खाया, आपने एकदम से नशा छोड़ दिया, है ना, तो आपको अकेला नशा छोड़ना काफ़ी नहीं है, आपको वो दोस्त भी छोड़ने पड़ेंगे जिन्होंने आपको नशा सिखाया, जिनके साथ आप बैठ के नशा करते हैं, ठीक है, जो आपका सर्कल है ना उसको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस सर्कल के अंदर रहेंगे ना तो आप कभी भी नशा नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि कुछ नहीं होता है ना, लगा लो, वो आपको इतने सारे एक्सक्यूज दे देंगे, इतने सारे एक्सक्यूज दे देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे, आपने 3 महीने से नशा नहीं किया, आपने अफीम छोड़ दी वहाँ, है ना, वो क्या कहेंगे, आपने एक बार छोड़ दी तो डॉक्टर आपको दोबारा भी छुड़वा देगा, कुछ नहीं होता, खा ले थोड़ा सा, ठीक है, या आपको थोड़े सी आपको अफीम आपको दे दी, आपको भाई तो 2-3 दिन के लिए अपने पास रख ले, मैं तरह से ले लूँगा बाद में आकर। अब 3 दिन आपके पास पड़ी रही, 2 दिन तो आपने कुछ नहीं खाया, कंट्रोल किया है ना, पर जब आपके पास पड़ी और आपने पहले नशा कर रखा है, 3 महीने से आप नहीं खा रहे, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा खा लेंगे, और एक बार आपने खा लिया तो वापस शुरू हो जाएंगे। तो उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपने गैंग में शामिल करने के ना, वो आपको छोड़ने नहीं देंगे। अगर आप फ्रेंड सर्कल अपना नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप नशा छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो शारीरिक रूप से तो नशा आप 2 महीने में छोड़ देंगे, लेकिन मानसिक रूप से नशा छोड़ने के लिए आपको नशे के बराबर, नशा क्या टेम्परेरी खुशी देता है, और वैसी खुशी आपको जब तक किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी तब तक आप नशा नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग नशा छोड़ने के बाद कोई बिजनेस के अंदर, कोई जॉब के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको उसमें खुशी मिलती है, ठीक है। कुछ लोग स्टडी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपना टारगेट सेट कर लेते हैं कि मेरे को यहाँ पहुँचना है। कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, वो अपना अपना एक अलग टारगेट सेट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैराथन, वो सॉरी एथलीट बन जाते हैं, या जिम ज्वाइन कर लेते हैं, उनका टारगेट होता है कि मेरे को बॉडी बढ़ानी है, ठीक है। तो एक ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको खुशी मिले, अगर वो काम आप करते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-4 महीने के लिए खाली बैठे रहेंगे घर पे, तो आप वापस वहीं जाएंगे जहाँ थे, आप कभी भी नशा नहीं छोड़ पाएंगे। आपको फ्रेंड सर्कल छोड़ना पड़ेगा, आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी जहाँ आप नशा करते थे, उस गली को भी छोड़ना पड़ेगा जहाँ से आप नशा खरीदते थे, ठीक है, और उन लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा जिनके साथ आप नशा करते थे। इन सब चीज़ों को जब आप छोड़ेंगे ना 1-2 साल के बाद, तब जाके आप मान सकते हैं कि मैंने नशा छोड़ दिया। मैंने कम से कम 20-30 से ऊपर पेशेंट के लिए नशा छुड़ाया, लेकिन 8-10 तो ऐसे हैं जिन्होंने वापस शुरू कर दिया 5-6 महीने के बाद। यही रीज़न कि उनको कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ना कुछ किसी लेवल पे, डॉक्टर ने एक बार छुड़वा दिया, मैंने छोड़ भी दिया, देखो मैं छोड़ सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है, दोबारा खा लेते हैं फिर छोड़ देंगे, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार छूट जाता है, तो अब वो सेफ है, अब वो आराम से खाते हैं छोड़ देते हैं, खाते हैं छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अफीम खा रहे हैं, साथ में मेडिकल नशा भी कर रहे हैं, जब गोलियां नहीं मिली तो अफीम खा ली, अफीम नहीं मिली तो गोलियां खा ली, उनका तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। 10 दिन खा ली, नशा खा लिया, 10 दिन होम्योपैथी दवाई ले ली, 20 दिन ले ली, छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिया, वापस शुरू कर दिया, इस चीज़ का तो देखो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, और होम्योपैथी बहुत ही ज़्यादा सेफ है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और आपको इस कंडीशन से बाहर निकल सकती है अगर आप सीरियस हैं, ठीक है।
दोस्तों ये आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपकी समाज में वैल्यू, आपका फ्यूचर, ये आप अकेला आप इससे खराब नहीं होते, आपके साथ जो जो लोग जुड़े हैं ना, सभी की वैल्यू, रेपुटेशन सभी खराब होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कोई मजाक नहीं है कि आप ठीक है 10 दिन आपने कर लिया, 15 दिन आपने कर लिया, 20 दिन आपने छोड़ दिया। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, आपको ऐसा नहीं है कि पैसे की बर्बादी है या शरीर की बर्बादी है, ये आपका फ्यूचर भी खराब कर देती है। आपका टारगेट वो होता ही नहीं है, जो एक जो फोकस है ना, वो फोकस खत्म हो जाता है इसकी वजह से। इसलिए अगर आप छोड़ना चाहते हैं ना, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपकी पहचान को, आपके नाम को बिल्कुल गुप्त रखते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया के अंदर हैं या इंडिया से बाहर हैं, अब्रोड भी हैं, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे जाती हैं, बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आप प्रिस्क्रिप्शन पे कहीं भी कैरी कर सकते हैं मेडिसिन को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मैं स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए, मुझसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेडिसिन सजेस्ट करूंगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है। वीडियो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।